हेलो, सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर बिस्मिल्लाह, कौन साहब हो रहे हैं, कहाँ से? साहब गुजरात से बोल रहा हूँ, चाहिए आपसे रफा। जी फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने ये 10-15 दिन नई नई लाई थी, 10-12 बकरिए। बकरियां लाई थी जी। हाँ जी, तो ये ना सारी सूने वाली है, ठीक। बीच में 5-6 सू पड़ी है, अच्छा, माशाल्लाह, तो बीच में मेरा अपना डेरा ही है, उधर ही रखी है, 2-3 दिनार का है। ठीक तो मैंने खिला रहा हूँ, ये खल होगी, वंडा हो गया, जी, लसुड़ी होगी, ये ठीक। चार पांच, एक ना सुई है उसे बड़ी तकलीफ आ रही है, उसके थान ना बहुत ज्यादा ना सूज गए थे, बैठते सूझ गया, ठीक। भी नहीं थी, तो दूसरा वो कल की सू पड़ी, तो उसके ना अब उसे चेक शेक करा रहा, अभी भी उसकी सोजिश है। एक तो मैंने पूछना है इसका मंडा शिंडा मिक्स क्या तैयार करूँ। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये अमूमन इनके थन सूज जाते हैं जब भी ये बच्चा जन्म देने लगती हैं, तो उससे कुछ दिन पहले ये आपने देखा होगा सोजिश हो जाती है, हवाने पे भी आ जाती है, स्तनों पे आ जाती है, इवन भैंसों के जोटियों पे जो पैलन होती हैं उन पे ख़ास तौर पे ये देखा गया। तो बेहतरीन इसका इलाज है, कोई दवाइयाँ कोई टीके वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको काली जीरी लेके वो थोड़ा सा तड़का लगा के देसी घी में वो मिला के वो दे दिया जाता है भैंसों को और उनको गायों जो भी होती हैं, इसी तरह इसको वो उसको हम लोग एक छटाक में कहता हूँ काली जीरी ले लें और एक पाव देसी घी लेके उसमें तड़का लगा के वो देते हैं। तो इनको आप पांचवा हिस्सा यानी एक छटाक का पांचवा हिस्सा का मतलब है 1 तोला 10 ग्राम थोड़ा सा तो वो आप काली जीरी ले लें और थोड़ा सा देसी घी में तड़का लगा लें 1-2 चम्मच में, तो ठीक है ना? तो ये लगा के ये इसको दे दें, इंशाल्लाह 2-3 दिन देंगे तो सारी सोजिश जो उतर जाएगी और वो भी ठीक रहेगी। बाकी रहा इसको खुराक वगैरह, तो जो भी ताज़ा कोई भी जानवर जन्म जो पंजाबी में कहते हैं ना ताज़ा सुई होवे ना, तो उन्हें हमेशा कभी वंडा वगैरह पे के नहीं देना, भिगो के नहीं देना, उसको हमेशा खुश्क वंडा देना है आपने, जो भी देना है इसको खुश्क देना है और 20-25 दिन तक खुश्क देना है, ठीक है? ये करना, हाँ, सारे को मिक्स कर लें और उसको थोड़ा खुश्क दें, ठीक है? सुबह शाम जी 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है? गुजरात कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, शहर से ही हैं, ठीक है, और ठीक ठाक है, चल रहा है सही? हाँ ठीक, माशाल्लाह, चले मैं कभी चक्कर लगा तो मैं देख भी लूँगा। चौधरी यासर हैं कौन से गांव के, कौन से हैं? रहते तो शहर में ही हैं, शुरू से शहर में थोड़ा ही होंगे। अच्छा, शुरू से शहर में, यहीं पढ़े हैं? कौन सा स्कूल में? हाँ, मिशन स्कूल, अच्छा, ठीक है। मैं भी पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 से पढ़ा हूँ। मैं समझ गया मिशन, हाँ ठीक, मैं भद्दर का हूँ, ये खारिया के पास मेरा गांव है। आप मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है? को 3,100 कुछ तो इस चैनल पे हैं और दूसरे चैनल पे भी 600-700 हैं, तो ये तकरीबन को 4,500 प्रोग्राम से ज़्यादा मेरे YouTube पे प्रोग्राम्स हैं और हर चीज़ पे आपको मिल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी सुबह सुबह मैंने अभी अपलोड किया एक बारानी इलाकों के लिए गंदम के क्या गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं वो उस पर अभी करके दिया है उसको, ठीक है?
मैं इस्लामाबाद में। मैं फिर किसी वक्त आ, मैं प्रोग्राम देखें आपको पता चल जाएगा क्या कुछ रखा है। ओके अल्लाह हाफिज़, क्योंकि लाइन अभी लाइन लगी हुई है, लोग कॉलें कर रहे हैं ना अभी। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।